हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग भी बढ़िया है गाइस। और मैं आ गई रसोई रूम पे, और देखिए यहाँ पे मैंने डोसा के लिए भिगा के रखे चावल उड़द दाल, और आज मैं दही कड़ी बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे कढ़ाई रख लिया मैंने। आज ना मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, और इसमें मैंने पूरी छाने थे, एकदम काले हो गए, कितना धोया था फिर भी साफ़ नहीं हो रहा है। और अभी दही कड़ी बनाऊँगी ना, उसके बाद पूरी कढ़ाई साफ़ हो जाएगी मेरी अच्छी तरह से। और इस तरह अभी मैंने इसमें तड़का डाल दिया है, और ये लहसुन और हरी मिर्ची डाली मैं, और अदरक नहीं डाली मैं, अदरक तो उतना अच्छा नहीं लगता दही कड़ी में। और देखिए मैंने इस तरह प्याज चॉप कर लिया है, और प्याज और टमाटर डाल के ही बना रही मैं आज दही कड़ी सिंपल तरीके से, और बाकी कुछ भी सब्ज़ी नहीं डाली हूँ मैं। और सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज, भरबट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरा चावल बन गया है, और देखिए यहाँ पर अभी टमाटर डालूँ मैं, और टमाटर ना ज़्यादा अच्छा लगता है दही कड़ी में, और कलर भी बहुत अच्छा आता है, और खट्टा खट्टा भी लगता है, और दही कड़ी ना खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर मैंने दही निकाल लिया फ्रिज से, और बाकी दही मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और बस आज मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, और इसलिए मैं ये कढ़ाई लगाई है, छोटी कढ़ाई। छोटी कढ़ाई में ना बस एक ही टाइम के लिए सब्ज़ी बनती है, और करी वाली सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। और आज बस अभी बच्चों की छुट्टी है, घर पे ही हैं बच्चे, बस टिफिन वगैरह का उतना टेंशन नहीं है। और देखिए अभी इसमें ना मैंने आटा डाला था, आटे का घोल बनाया है, और आटे का घोल ना बहुत अच्छा लगता है इस पर, और दही कड़ी भी अच्छी बनती है। मैं बेसन नहीं डालती, आटा ही डालती हूँ, और बेसन वाला ना उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, और सबके अपने अपने पसंद हुई, और मैं तो आटा का ही डालती हूँ, मुझे आटा का ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रात को ही कट करके रख दी थी, और इसको ना भरबट्टी बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने तो भरबट्टी सुना है, यहाँ से भरबट्टी बोलते हैं। और देखिए और मेरी अभी दही कड़ी बन रही है, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सुबह सुबह ना बहुत हड़बड़ाहट रहती है, सब करना रहता है, और अभी तो उतना नहीं है, फिर भी स्कूल नहीं है और बच्चों की छुट्टी है, अभी आराम से बनाती हूँ मैं। और देखिए और यहाँ पे भी मैंने लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया, और वहाँ पे मेरी दही कड़ी बन रही है, और यहाँ पे मैंने और भरबट्टी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसमें प्याज डाल लिया मैंने भी, प्याज ना अच्छा लगता है इस पर, टमाटर नहीं डाले मैं, इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। और देखिए मैंने रात को ही कट करके इस पर रख लिया था, सुबह सुबह ना बहुत टाइम लगता है इसको कट करने में, और इस तरह की सब्ज़ी वगैरह ना मैं रात को ही कट कर लेती हूँ, और जैसे कैप्सिकम है और बैंगन, ये सब सुबह करती हूँ मैं कट, और ये सब इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको वॉश करो, फिर अच्छे से इसको पूछना रहता है, उसके बाद कट करती हूँ मैं, और इसलिए ना मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, सुबह में नहीं होता टाइम इतना। और देखिए अभी मैं नमक डाल के इसको थोड़ा पका लूँगी, और उसके बाद नमक डाल के थोड़ा पानी छोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको मसाला वगैरह डालूँगी मैं अभी। उसके बाद अभी मैं इसको बंद कर लेती हूँ, तब तक मैं दही कड़ी को देखती हूँ। देखिए और यहाँ पे मेरी दही कड़ी भी बन गई है, और देखिए एकदम भर के बनाया मैंने इस पर। छोटी कढ़ाई है, और इसमें जो ज़्यादा दिख रहा है लेकिन इतना नहीं है, बहुत छोटी है। और अभी मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है, धनिया डालने से बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है मेथी की कड़ी बनाई है। मेथी की दही कड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, और उसी तरह धनिया डालने से भी अच्छा लगता है। और इसमें ना मेथी भी डाला है मैंने, मेथी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए यहाँ पे मैं नाश्ते में और डोसा और चटनी बनाऊँगी, अभी चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। और मैंने ना और डोसा के लिए पीस के रख लिया है डोसा का मसाला, मैं सेम टाइम पीस के सेम टाइम डोसा निकाल लेती हूँ। और देखिए अभी सब्ज़ी मेरी आधी पक गई है, इसमें मसाला वगैरह डाल लूँ मैं, अभी ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा डालूँगी। और ये मेरी कलर वाली लाल मिर्ची है, इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा मात्रा की उसकी। और देखिए अभी मेरी सब्ज़ी बन गई है, इसको ना मैं नारियल डाल के बना रही हूँ, इस पर नारियल डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी धनिया डालूँगी, उसके बाद मैं नारियल डालूँगी इस पर, और नारियल मेरा पहले से ही, और मेरी बेटी ने इसको
क्रश करके रख लिया था नारियल, इस तरह बनाने से ना अच्छा इजी पड़ता है, और इस तरह ऊपर से सब्जी में डालने के लिए अच्छा होता है। ग्राइंडर करना है तो उसी टाइम कट करके बना सकते हैं। देखिए इस तरह मैंने बना के फ्रिज में रख लिया था, थोड़ा सा डाल रही हूँ इस पर। नारियल डालने से ना और भी टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत अच्छा सब्जी बनती है। और देखिए इस तरह ऊपर से डाल दी मैं नारियल, और ग्राइंडर अगर छोले वगैरह बनाना है, नारियल वाला सांभर बनाना है, ग्राइंडर करके डालना रहता है। और इस तरह सब्जी में ऐसे ऊपर से डाल दो थोड़ा सा क्रश किया वाला, तो अच्छा लगता है। तो गाइस मेरी दही कड़ी सब्जी चावल बन गए हैं। अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ते में चटनी और डोसा बना रही हूँ मैं। तो गाइस मैं अभी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी बज गया है 10, और अभी मैंने कपड़ा वगैरह धोया है, बाकी तो सुबह ही कर लिया था मैंने। और कपड़ा वगैरह धोया मैंने, और उसके बाद थोड़ा आराम किया है, और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे अभी ना ब्लाउज सिलना है, और मैंने 2-4 ब्लाउज सिल के कल दिए थे, और आज थोड़ा मुझे फुर्सत मिली और मुझे 2-4 ब्लाउज सिलने हैं। यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, इनके अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, बस आराम से ही हो रहा है सब कुछ। और देखिए अभी मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, और देखिए अभी वहाँ से हाय बोल रहे हैं उसको, मैं ना वीडियो में कुछ ना कुछ बोलना रहता ही है। और देखिए अभी मेरे पीछे ही आ गया, वो वीडियो बनाते ना वो मुझे तो परेशान करने के लिए आ जाता है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए। उसको मस्ती करने का बहुत आदत है, और बहुत मस्ती भी करता है मेरा बेटा। और देखिए अभी यहाँ पे मैंने घड़ी पे फूल लगाए हैं, अभी ना ज़्यादा फूल नहीं खिले, बस एक ही फूल मिला है, और धूप के कारण पूरे फूल एकदम से ये हो गए, पेड़ भी फूलों के पेड़ ना एकदम मुरझा गए हैं, पूरा दिन धूप में रहते हैं ना सूख जाते एकदम से। और देखिए यहाँ पे अपना पेन दिखा रहा है, मेरा बेटा पेन लेके आया था कल, वो दिखा रहा है, और मम्मा बोल रहा है मैं गाइस को पेन दिखाता हूँ, पेन लेके आया है, देखिए वो पूरा खोल के दिखा रहा है अभी। और देखिए यहाँ का मौसम ना अभी इतनी धूप आई है, अभी 10 बजे इतनी कड़ी धूप जैसी लग रही है देखिए, और यहाँ पे थोड़ा छाया आया, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने इतने कपड़े धोए, ज़्यादा नहीं धोए, थोड़े कपड़े धोए थे, और देखिए इस तरह आधे सूख भी गए हैं मेरे कपड़े पतले पतले वाले। और यहाँ पर डाले मैंने थोड़े कपड़े, और ये 3 साड़ी के फॉल हैं, और इन पे अभी मैंने फॉल लगाना है साड़ी पे, और ब्लाउज भी सिलने हैं, और 3 ब्लाउज हैं मेरे सिलने। और देखिए यहाँ पे ना अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही, अच्छी हवा चल रही है। और तो गाइस अभी मैं ब्लाउज वगैरह सिलती हूँ, और अभी मुझे 3 ब्लाउज सिल के देना है, वो भी अभी परसों देना है मुझे, और शादी है। और देखिए मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे लगा, जब तक मैं फ़ोन ना रखूँ ना तब तक ही मेरे पीछे लगे रहेगा। और देखिए अभी मैंने ग्रेप्स धोए थे मैंने, और इन्होंने आधा खा लिए हैं और मेरे लिए रखे हैं। और देखिए अभी तो अभी के ग्रेप्स ना बहुत मीठे आ रहे ग्रेप्स, क्योंकि अभी सीजन भी अब कम हो रहा है, और एकदम ज़्यादा ये पुष्ट हो गए ना, अभी ज़्यादा ही मीठे हो रहे ग्रेप्स, और बहुत मीठे ग्रेप्स ना अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे तो अच्छे नहीं लगते, पता नहीं और को कैसे लगते हैं मुझे पता नहीं। और देखिए अभी ग्रेप्स वगैरह खाते हम लोग, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस आप भी आए ग्रेप्स खाए। अभी ना बहुत गर्मी लग रही है, और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, मैं कहीं भी बाहर आर भी नहीं जा पा रही हूँ। और ये ना और कहीं मैं बाहर गई तो मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मैं नहीं जाती हूँ बाहर। और अभी हमको कहीं जाना है 2 बजे, और 3 माँ बेटे जाएंगे हम लोग, और वहाँ पर ना घर पर है किसी का, और वहाँ बुलाया हमको, वहाँ जाना है। वहाँ ना मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगी, और मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे, बना भी नहीं पाऊँगी मैं। और यहाँ पे ना ये ग्रेप से ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बहुत मीठे हो रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने छोड़े हैं, अगर मीठे नहीं रहते ना ये सब फिनिश कर देते हैं, रखते भी नहीं मेरे लिए। और तो गाइस और मेरी बेटी बोल रहे हैं खाना है तो खाओ, नहीं तो क्यों दिखा रहे हो बार बार कर, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो गाइस वीडियो एंडिंग यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।